धरती सोलर सिस्टम की एकमात्र ऐसी प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हम अर्थ पर रहते तो हैं, पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। आप देख रहे हैं द फैक्ट और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 5 फैक्ट अबाउट अर्थ। तो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, एज ऑफ द अर्थ। क्या आपको पता है अर्थ की एज 4.53 बिलियन ईयर्स है, मतलब कि 454 करोड़ ईयर्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अर्थ की एज साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कैसे की होगी। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीक से कैलकुलेट की है साइंटिस्ट ने अर्थ की एज। यह एक तकनीक है जिसमें साइंटिस्ट किसी भी पत्थर या किसी भी मटेरियल की एज कैलकुलेट करते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि जो सबसे पुरानी पत्थर मिली है हमें वो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले की है, यानी धरती की फॉर्मेशन के टाइम की। और इससे हमें पता लगता है कि हमारी धरती यानी अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है। फैक्ट नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। वैसे तो धरती की एवरेज टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अर्थ पर बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां आप टेम्परेचर से बहुत ज्यादा डिफर करती है। 10 जुलाई 1913 को डेथ वैली यूनाइटेड स्टेट पर आज तक की सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड की गई है, जो 56.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस, जो जुलाई 21, 1983 को वोस्टोक स्टेशन रशिया में की गई थी। फैक्ट नंबर 3, द अर्थ वॉज वंस बिलीव्ड टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। पहले के साइंटिस्ट ये सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स की सेंटर है और प्लैनेट्स और सन इसके चारों ओर घूमते हैं। इस मॉडल को कहते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल। फिर ये बंदा आया, निकोलस कोपरनिकस। इस बंदे ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को प्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। और ये तो हम जानते हैं कि जियो मॉडल बिल्कुल गलत है और हेलियो मॉडल बिल्कुल सही है। नंबर 4, द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अर्थ की रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे स्लो होती जा रही है। अगर हम डी एक्सीलेशन की बात करें तो ये 17 मिलीसेकंड पर 100 ईयर्स की है। पर अर्थ की स्पीड कम क्यों हो रही है? क्या है ना कि मून अर्थ से दूर खिसकता जा रहा है, लगभग 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, और इसीलिए धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है। धरती मून से जितना दूर जाएगी अर्थ की रोटेशन उतनी ही स्लो होती जाएगी। 3.78 सेंटीमीटर पर ईयर तो सुनने में ज्यादा नहीं लग रहा होगा, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अमेजिंग क्यों है। कुछ 454 करोड़ साल पहले जब चांद नया नया था, तब धरती के बहुत ज्यादा ही सामने था और उस वक्त हर एक दिन लगभग 6 घंटे का होता था। लेकिन आज लगभग 450 करोड़ साल बाद मून दूर खिसकता गया और धरती स्लो होती गई, और इसलिए आज हर एक दिन 24 घंटे की होती है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी धरती और स्लो होती रहेगी। 14 करोड़ साल के बाद धरती की एक दिन की रोटेशन 24 आवर से 25 आवर में बदल जाएगी। नंबर 5, रेवोल्यूशन स्पीड ऑफ द अर्थ। हम लोग सब जानते हैं कि अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, लेकिन इसकी रेवोल्यूशन स्पीड पता है आपको कितनी है? इसकी रेवोल्यूशन स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकंड। जितनी देर में आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उतनी देर में अर्थ ने 6120 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अमेजिंग बात तो यह है कि धरती अकेले ही नहीं बल्कि आपको भी साथ साथ ट्रेवल करा रही है। इसका मतलब आप भी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप इसे फील नहीं कर पा रहे हो, है ना ये अमेजिंग बात। दैट्स वॉज अमेजिंग अबाउट अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये चैनल अभी नया नया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे, आपको बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब टू दिस चैनल।